पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, आज पीएम मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया है, जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे थे। आज पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वहीं देखा जाए तो इसे पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में और गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन किसान इसे समझ नहीं पाए। और इसको देखते हुए पीएम मोदी ने आज ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। और ऐसा उन्होंने आज देश को संबोधित करते हुए कहा और ये एक बड़ा ऐलान किया कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसले तो किसानों के हित के लिए ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें समझ नहीं पाए, इसीलिए हम किसानों को परेशान नहीं करना चाहते और हम ये तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए तीनों कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई, देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन भी किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने बातचीत का प्रयास किया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फिलहाल फैसला कर लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि आप अपने अपने घरों में लौट जाएं और खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें और एक नई शुरुआत करें। तो कृषि से जुड़ी आज ये सबसे बड़ी खबर और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरकार का किसानों के लिए ये अहम फैसला निकल कर आया है, जिसको देखते हुए हो सकता है कि किसानों के अंदर एक राहत आए और सभी किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं। सरकार ने ये बड़ा फैसला आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लिया है कि हमारी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले रही है।